The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So आइए बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम ओवर द काउंटर पेन रिलीवर मेडिकेशन से कि पेन दवा के लिए दर्द के लिए आप कौन कौन सी दवा ले सकते हैं खुद से मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के और उनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए उनकी सेफ्टी के बारे में ओवर द काउंटर का मतलब होता है ये और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें नॉर्मली दो तीन प्रकार की दवाइयाँ आती हैं सबसे कॉमन एक होती है आपका एसिटामाइनोफिन यानी पैरासिटामोल या टाइलनोल और दूसरा होता है एनसेट्स नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन इन दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया दे दें पेन किलर को एनालिस्क बोलते हैं एनालिस मतलब कोई भी ऐसी दवा जो पेन के लिए काम करती है उसमें दोनों में उस हर दवा में बेनिफिट्स हैं रिस्क भी है हर दवा में रिस्क है हर दवा में साइड इफेक्ट्स होते हैं पर सबको होंगे जरूरी नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम किसी को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है इस बात को ध्यान में रख के जितने कम लोगों में एलर्जिक रिएक्शन या कम लोगों में साइड इफेक्ट होता है उस दवा को ओटीसी ओवर द काउंटर बना दिया जाता है सो so, इसलिए ये थोड़ी सेफर साइड है एज कम्पेयर टू अदर्स इसलिए इसको दिया जाता है स्टिल इसमें भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं कुछ लोग कुछ प्रकार के पेन किलर से ज़्यादा रिस्पोंड करते हैं जैसे किसी किसी को डाइक्लोफिन से बहुत आराम से आ जाएगा तुरंत किसी किसी को सिर्फ पैरासीटामॉल से भी आराम आ जाएगा किसी को किसी दवा से आराम नहीं होगा उसको ओपियॉइड लेना पड़ेगा राइट right? सो so, हमें हर एक में अलग अलग टेंडेंसी है जो लोग दारू पीते हैं नशे करते हैं उनकी फिर उनका जो डोज है टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है तो उनको कई बार डोज जो है हैवी डोज लेना पड़ जाता है तो दैट इज देयर जो आपको समझना होगा और पेन मेडिसिन जो है लाइक सो बेसिक पॉइंट क्या है एक आदमी में जो काम करता है वो दूसरे में करेगा ये जरूरी नहीं है राइट right? और कई लोग का रहता है कि पेन किलर जो है एक्सरसाइज से पहले ले नहीं ले ऐसा कुछ नहीं है यू कैन टेक अ पेन मेडिसिन बिफोर एक्सरसाइजिंग उसमें कोई इशू नहीं है और इसमें कोई ओवर एक्सरसाइज या ऐसे एक्सरसाइज से मेडिसिन ओवर हो जाएगी या मेडिसिन ले ली है पेन किलर तो एक्सरसाइज आप ओवर कर लोगे दर्द नहीं होगा तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है राइट योर बॉडी हैज़ अ फटीक सिस्टम जो पेन अलग है फटीक अलग है थकोगे थकोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देन हमारा पॉइंट आएगा <clears throat> आपको हर एक पेन किलर जो लेते हो उस पर लेबल रीड करना है कि वो किस उम्र के लिए बना है बच्चों वाला आद, एडल्ट खाएगा एडल्ट वाला बच्चे खाएंगे तो गलत गलत हो जाएगा और उसका सबसे इंपॉर्टेंट है उसका देखना क्योंकि ओवर द काउंटर है और तो आपको उसका एक्सपायरी देखना होगा घर पे पड़े पड़े ऐसा नहीं कि पड़ा है सालों से उसको उठा के खा लिया वो नहीं रहना ठीक है पेन किलर अगर आप ज़्यादातर दिनों में लेते हो रोजाना लेते हो तब आपको डॉक्टर को दिखाना है अगर आप अपना कंटेनर है पेन किलर है उसको ऐसे ही रख देते हो तो बच्चे उठा के खा सकते हैं तो रिस्क अपना समझना है मेडिसिन को सेफली स्टोर करना आपको आना चाहिए तो अब बात करते हैं दो सबसे कॉमन पेन किलर के बारे में नंबर और उसके प्रिकॉशंस भी आपको बताएंगे राइट नंबर वन है एसिटमाइनोफिन यानी टाइनॉन यानी आपकी प्यारी पैरासिटामॉल क्रोसिन पैरासिटामॉल मतलब नॉन एस्पिरिन पेन रिलीवर है यह कोई एनसेड नहीं है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन नहीं है और ये पेन कम करती है फीवर कम करती है हेड एंटी एंटीपायरेटिक है मतलब फीवर कम करती है एनालजेसिक है यानी पेन कम करती है और एंटी इंफ्लामेटरी है ये तीनों चीजों पे काम करती है ये, राइट बट इट इंफ्लामेशन पे इसका काम बहुत कम है इंफॉर्मेशन पे इट ड्रड्यूस वेरी लेस इंफॉर्मेशन देन मेडिसिन ये मेडिसिन जो है एज कंपेयर टू अदर मेडिसिन एनसेट से कम पेट में दिक्कत करती है गैस या आ, ये प्रॉब्लम कम करती है लेकिन ये आ, ब, ये मेडिसिन लिवर में प्रॉब्लम कर सकती है तो क्रोनिकली लेना लिवर के लिए अच्छा नहीं होता है ये अच्छी बात यह है कि ये बच्चों में भी ली जा सकती है बच्चे भी पैरासीटामॉल ले सकते हैं बच्चों में भी सेफ है प्रेगनेंसी में भी सेफ है हर जगह ये मोस्ट जगहों पे पैरासीटामॉल क्रोसिन सेफ होती है इसलिए वो दी जाती है कई बार सबसे पहला ट्रीटमेंट पेन किलर में पैरासिटामॉल दिया जाता है चाहे पेट दुखरा हो या आर्थराइटिस हो चाहे बुखार हो ज्यादातर केसेस में पैरासिटामॉल इसीलिए सबसे ज्यादा ओवर यूज या मिसयूज हुई दवा है पैरासीटामॉल टाइनोनॉल राइट पैंडोलॉल जो भी आप बोलो क्रोसिन ढोलो और इसीलिए इसके वजह से लिवर फेल होते हैं लोगों के इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने दे दिया तो लिवर फेल नहीं इसीलिए कि वो खुद महीनों 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 महीनो, खुद से खरीद खरीद के खाते रहते हैं जिसकी वजह से लिवर फेल होता है एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है अगर डॉक्टर ने बोला है एक हफ्ता लो तो एक हफ्ता लो उसके आगे जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर से जाके बात करो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है याद रखिएगा कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ये दवा एक गोली खाली तो लिवर खराब हो जाएगा ऐसा नहीं है क्रोनिक मिस से क्रोनिक मिसयूज सो so, प्रिकॉशंस में हमने हमने बता दिया इसका एक डेली का मैक्सिमम डोज है मतलब एक आदमी तीन ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकता तीन ग्राम एक गोली 500 मिलीग्राम की साढ़ी छः मिलीग्राम की आती है तो पूरे दिन में मिला के चार चार घंटे छः छः घंटे में भी एक गोली ले लिया बुखार के लिए तो भी तीन ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडल्ट के लिए राइट उसके बाद बच्चों के लिए अलग डोज होता है उसके लिए आप बच्चों के डॉक्टर से बात करेंगे अगर आप पेन मेडिकेशन ले रहे हैं और साथ में कोई और भी दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं कि भाई मैं पहले से ले रहा हूं उससे चलेगा क्या या कोई नशा करते हैं तो डॉक्टर को बताएं बच्चों के लिए बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर ज़रूर बात करें तो so, ये बेसिक प्रिकॉशन है ऐसा नहीं है कि आपका लिवर खराब है या थोड़ा सा खराब है तो पैरासिटामॉल ले ही नहीं सकते ये आपके गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके केस में लिवर की बीमारी के चलते आप कौन सी दवाई आपके लिए सेफ है किस डोज में किस जरूरत में कौन सी दवा की जरूरत है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट फिर बात आती है प्रिकॉशन की और प्रिकॉशन में ये दवाइयाँ आप खुला नहीं छोड़ेंगे कोई भी बच्चे इसको खुद से नहीं खाएं अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है आप दे रहे हो तो चलता है वो भी डोज से पीडियाटिशन को पूछ के इससे ज़्यादा डेंजरस दवाई है इससे ज़्यादा खतरनाक है एनसेट्स एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जिसमें आपके आ जाते हैं एस्पिरिन ब्रूफिन नेपरॉक्सिन या ये सारी दवाइयाँ राइट और इवन कॉम्बी फ्लेम कॉम्बी फ्लेम में डाइक्लोफिनाक ये सारी इसमें आ जाएगी जो ये दवाई है एनसेड्स ये पेन और फीवर ये दोनों के लिए है मैंने आर्थराइटिस मसल्स पाजम इनमें काम करेगी यहां पर ये जल्दी काम करती है पैरासिटामोल से जल्दी काम करती हैं लेकिन इसको लंबे समय तक नहीं रखना है जल्दी मतलब इसको लंबे समय तक नहीं लेना होता है राइट दे कैन बी टेकन फॉर अ शॉर्ट टाइम नॉट डेट जल्दी काम करेगी नहीं इट कैन दस दिन से ज्यादा इसको लेना नहीं चाहिए इसको दस दिन से ज़्यादा लेते हैं तो गैस्ट, गैस गैस होना पेट में छाले होना अल्सर्स होने के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सो so, इसीलिए पैरासिटामोल इससे सेफर से है एनसेड्स को यानी एस्पिरिन ब्रूफिन निप्रोक्सिन इनको दस दिन से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए एस्पिरिन का छोटा भाई है इकोस्प्रिन ईकोस्प्रिन हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है एस्पिरिन में साढ़े तीन ये होती है एकोस्प्रिन और एकोस्प्रिन एम होती है या डेढ़ सौ वो हार्ट की बीमारी के लिए अलग दी जा सकती है वो अलग है वो डेली लंबे समय के लिए दी जा सकती है लेकिन एस्प्रिन डिस्प्रिन वो नहीं लेना चाहिए डिस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं डिस्प्रिन तो वैसे भी बैन है <coughs> अगर आपको एनसेट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा तो सात दस दिन के लिए दी जाती है उससे ज्यादा नहीं सो so, बच्चों को तो गलती से भी एस्पिरिन नहीं देना है एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं बच्चों में और अगर डॉक्टर आपको देता है बच्चों को देने के लिए एनसेड्स यानी ब्रोफिन नेप्रोक्सिन तो आप दे सकते हैं लेकिन एस्पिरिन नहीं देगा सो दैट इज देर अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर है किडनी डिजीज है स्टमक में कोई अल्सर है या ब्लीडिंग होती है गैस्ट्रोइ तो आप डॉक्टर से बात करेंगे कि भाई मैं पेन किलर ले सकता हूं ये वाला या नहीं किसी प्रकार का ब्लड थिनर ले रहे हैं यानी खून पतला करने की दवा एस्पिरिन हो हो एपिक्सिबैन डाबीटर रिवोरक्सीबैन कोई भी राइट प्रोडेक्सा जराल्टो इक्वेलिस प्लाविक्स क्यूमरिन कोई भी ले रहे हैं आपको डॉक्टर को बताना है राइट और आपने याद रखें कि ये सारी दवाओं के शॉर्ट टर्म में भी साइड इफेक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म में तो साइड इफेक्ट है ही हमें यह ध्यान में रखना है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए मैं बार बार बता रहा हूं इसके क्रोनिक मिसयूज क्रोनिक का मतलब है लंबे समय में और मिसयूज का मतलब है जो डॉक्टर ने बताया उससे ज्यादा या उससे अलग इस्तेमाल करने में डॉक्टर ने बताया है कि आप ले लो बुखार में तो आप बच्चे को दे दोगे आपने माता जी को भी दे दोगे बाबा जी को भी दे दोगे और वाइफ को भी दे दोगे सबको बांटोगे कि ये भी, ये भी खा ले ये भी खा ले ये भी खा ले ये भी खा ले फिर वो वो दस बार खा रहे हैं वो रोज ही खा रहे हैं वो रोज ही खा रहे हैं मेरे तो दर्द ही हो रहा है मेरे तो दवाई के बगैर काम ही नहीं होता फिर वो क्या होगा दो तीन महीने बाद या एक हाथ साल के बाद लिवर ख़राब हो जाता है सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप डॉक्टर के पास जाएँ डॉक्टर से बात करें खुद इस तरह से गलत काम ना करें सो दैट इज अबाउट ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन ये वो साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो आई होप आपको समझ में आई नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बताएंगे आपको कि आपके पेन किलर में क्रोनिक पेन के लिए लंबे पेन जो होते हैं उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं राइट थैंक यू